इधर प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सेहत को लेकर बड़ा बयान दिया है। मयूरभंज की रैली में पीएम ने कहा है कि नवीन बाबू की खराब तबीयत के पीछे साजिश लग रही है। प्रधानमंत्री ने पूछा कि कहीं साजिश के पीछे उस लॉबी का हाथ तो नहीं जो सत्ता सुख भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी तो जांच करेंगे कि नवीन बाबू के साथ क्या हुआ। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर मुख्यमंत्री को दिए जा रहे सहारे की है, यानी नवीन पटनायक को किस तरह से सहारा दिया गया, और दूसरी तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसमें उन्होंने साजिश का अंदेशा जताया है। नवीन बाबू के सभी शुभचिंतक बहुत चिंता में है, वो ये देखकर बहुत परेशान है कि पिछले एक साल में अचानक नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ गई। बरसों से नवीन बाबू के करीबी रहे लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या, ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर पर्दे के पीछे उड़ीसा में सत्ता भोग रहे हैं। इस रहस्य से पर्दा उठना जरूरी है, उठना चाहिए ना, पर्दा उठना चाहिए ना, इसका पर्दा उठना चाहिए, इसकी जांच आवश्यक है। इसलिए 10 जून के बाद उड़ीसा में भाजपा सरकार का विजय होने के बाद हमारी सरकार, उड़ीसा की भाजपा सरकार, एक स्पेशल कमेटी का गठन करेगी और ये जांच करेगी कि अचानक नवीन बाबू की तबीयत क्यों गिरती जा रही है, उनकी तबीयत के साथ ये क्या हो रहा है।